क्या हो रहा है बलवीर? लगता है कोई बुरी शक्ति जागृत हो रही है। कहीं सर्वकाल का शक्ति पुंज क्रोधित तो नहीं हो रहा? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकलना होगा। हाँ। बालवीर ने जरूर इस गुफा में आने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगी। मैं तो ऐसा कह रहा था कि चढ़ता सूरज और उड़ती रानी से दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी की बात नहीं है। वैसे महारानी, आप कौन सी नई नई शक्तियां लेकर आई हो, जल्दी बताइए ना मुझे। सब्र रखो तौबा तौबा। हाँ, क्योंकि इस बार मेरे पास नई शक्तियां भी हैं और नई रणनीतियां भी हैं। नई रणनीति? इतनी? जाओ मायावी सिपाही, अब तुम्हारे रहते सर्वकाल का राज सिर्फ राज ही रहेगा सबके लिए। तुम सिर्फ रणनीति बनाओ और तितलियां उड़ाओ तुम नशा, तब तक मैं पृथ्वी पर जाके विवान के प्राण उड़ा दूंगा। अरे तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? ये कहाँ गया? अब कौन सी बेवकूफी करने गया है ये भैमार? अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, नो पंगा, नो बदमाशी और नो नुकसान। यस, मतलब मेरा आलमन की पक्का। यस। हैप्पी बर्थडे विवान, कैसा लगा हमारा बर्थडे गिफ्ट? नहीं विवान, अपना गुस्सा कंट्रोल कर, वरना इनके चक्कर में मुंह तक आया हुआ आलमंड की चला जाएगा। क्या हुआ विवान, गिफ्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा ले ले। ये ले। हेलो चिंटू चिंटी, थैंक्स। और अगर तुम लोगों को सड़े टमाटर इतने ही पसंद है ना, तो सैंडविच में लगा कर खा लो, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रुक जा चिंटी, इसके सर पे मारता हूँ जोर से, फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा। बहुत कर लिया इग्नोर, अब इनको भी रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। क्या कर रही है चिंडी, अपनी टीम में गोल मार रही है। सॉरी भैया, शायद गलत निशाना लग गया। ठीक है चिंडी, प्यार से केचप लगा रही है तुम्हारे सिर पर। बड़े तेवर दिखा कि आप काल लोग से धरती लोग तो आए, लेकिन आपकी योजना है क्या? चींटी को मसलने के लिए योजना क्या बनानी? तौबा तौबा। भूल गए, काल परी के बिना आपकी शक्तियां नहीं चलेगी धरती लोग पे। अरे उनके बिना आपकी औकात बिना
दांत वाले सांप जैसी है। आप फुकार तो सकते हैं लेकिन किसी को काट नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा था, मैं तो मैं विवान को धरती पे मार नहीं सकता तो क्या हुआ, उसे अगवा करके काल लोक तो ले जा सकता हूँ। मैं मारती हूँ दूसरा। हाँ मार चिंटी। चिंटी एक बार गलती होती है इंसान से, दूसरी बार नहीं, कितनी बार मारेगी? रुक जा मैं भी तुझे मारता हूँ। मैं नहीं मार रही हूँ। अब दोनों मिलके खाओ टमाटर। अगर अंकल ने मम्मी को कंप्लेन कर दी तो मेरा आलमंड केक। अंकल अंकल अब जो भी है सॉरी टमाटर के लिए। अंकल प्लीज अब मम्मी को शिकायत मत करना, आज मेरे बर्थडे है। जन्मदिन विवान का, लेकिन तोहफा मैं लूंगा भैरानी से। भैरानी भैरानी मुझे जल्दी से कोई इनाम दीजिए, आपके लिए मैं खुशखबरी ले आया हूँ। अरे आज विवान का जन्मदिन है। भैरानी फिर तो वीर लोग के सब लोग उस समारोह में जाएंगे। हाँ नासा ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हारी नई शक्तियां इस्तेमाल करके हमें तुरंत हमला करना चाहिए धरती लोक पर। हमला? मेरी नई शक्तियां और रणनीतियां धरती पर तभी काम करेंगी जब हमारे पास काल परी होगी। इसलिए गहरी सांस लो भैमार और ये सोचो कि काल परी को कैसे वापस लेकर आना है। अरे सॉरी, मैंने सोचा था कि तुम्नासा के पास इतनी शक्ति नहीं होगी, लेकिन सर्वकाल मंदिर में छुपे किसी रहस्यमय स्रोत से वो वापस पहले जैसे शक्तिशाली हो गई। कैसे? उस रहस्यमय शक्ति स्रोत के बारे में मैं यहां से पता लगाने की कोशिश करता हूं बालवीर। ठीक है शौर्य, तब तक काललोक में जाकर मैं पता लगाता हूं क्या कि सर्वकाल मंदिर में छुपा क्या है। लेकिन इस बार तुम्नासा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर चकमा दे जाएगी। बालवीर क्या विवान को भी इस काम में? नहीं ध्वनि परी, आज विवान का जन्मदिन है, हम उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए पानी परी। अरे खुशी, तूने विवान की तरह पूरा कमरा उलट पुलट क्यों कर रखा है बेटा? मम्मी मैं सब कुछ वापस ठीक से रख दूंगी, बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रही है मेरी खुशी? खजाना तो नहीं, लेकिन विवान के लिए सरप्राइज जरूर है। अच्छा क्या सरप्राइज है? ये बर्थडे कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया विवान के लिए। अरे वाह। सो क्यूट। लेकिन इसमें पापा जी हैं, तू है, मैं हूँ, ये बर्थडे बॉय की फोटो नहीं है, क्यों? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ मम्मी तब से। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं विवान के बचपन की पिक्चर डालूंगी जब वो गोलू मोलू रसगुल्ला जैसे हुआ करता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमारे पास विवान के बचपन की एक भी फोटो नहीं है, ऐसा क्यों है मम्मी? वो एक्चुअली 8-10 साल पहले जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो शिफ्टिंग में सारी एल्बम्स खो गई पता नहीं कहीं। अच्छा, और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद होगा, तो छोटी थी ना तब। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम विवान को हॉस्पिटल से कब लाए थे, या फिर उसका पहला दांत कब निकला था, या उसका पहला बर्थडे कब मनाया था। कैसे याद होगा तुझे, विवान जब पैदा हुआ था तो छोटी थी ना। अच्छा अभी ये सब छोड़, तू
तू एक काम करना, विवान की अभी वाली कोई फोटो लगा दे, ठीक है? ठीक है मम्मी। पानी परी, तिमनासा यहाँ नहीं है, इसलिए अब हम बिना चिंता किए तिमनासा की रहस्यमय शक्ति का पता लगा सकते हैं। पानी परी, अब वहां जाकर देखिए, मैं इधर देखता हूं। ठीक है बालवीर। बालवीर, इस दीवार में से खोखली आवाज आ रही है। कोई काल मंदिर के गर्भ में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है जो सर्वकाल के शक्ति पुंज की शांति भंग कर रहा है? मुझे लगता है इस तब में ही कुछ अजीब बात है। बालवीर, मुझे लगता है इस दीवार के पीछे सुना तुमने बालवीर, ये पूरी की पूरी दीवार खोखली है। पानी परी, इस दीवार के उस पार जाने का रास्ता ढूंढ है। इस दीवार में जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम खुद रास्ता बना लेंगे। पूरी ताकत से कोशिश कीजिए पानी परी। ठीक है बालवीर। तो ये है इस दरवाजे की असली चाबी। अब हम अंदर जाके देख सकते हैं कि वो रहस्यमय शक्ति क्या है जिससे तिमनासा फिर से शक्तिशाली होती जा रही है। चल। चलो
गोलाकार चीज क्या है बालवीर? मुझे लगता है ये वही शक्ति का स्रोत है जिससे तिमनासा को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि ना ही इसमें अच्छाई का भाव है और ना ही बुराई का। बालवीर थोड़ी सावधानी से, कहीं ये तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। शक्ति की असलियत जानने के लिए मुझे इसमें हाथ डालना ही पड़ेगा। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? आप कौन है और आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे? समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का विकराल रूप हूं मैं, सर्वशक्तिमान, सर्वकाल हूं मैं, इस काल लोक का देवता, यहां का सम्राट। सर्वकाल? तुम कौन हो? बालवीर, बालवीर हूं मैं। तुम भी बालवीर हो? बालवीर जो पूरे संसार में अच्छाई की रक्षा करता है। जी हाँ, लेकिन आपने तुम भी बालवीर हो ऐसा क्यों कहा? दीदी मुझे अपने ही बर्थडे पर जंगली भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखना, तो प्लीज दीदी प्लीज थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा प्लीज। अच्छा विवान, अगर तुझे अपने बालों से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बैठ, मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बैड आइडिया, आप एक काम कीजिए, आप एक मिनट रुकिए, मैं दो मिनट में रेडी हो जाऊंगा। नहीं विवान, एक मिनट करते करते तो तेरा अगले बर्थडे आ जाएगा, हट जा ना यहाँ से। अरे दीदी आप जाकर मम्मी के कमरे में तैयार होइए ना। शर्माइए मत, आखिर आपकी भी तो मम्मी है वो। मेरी भी? वो मेरी ही मम्मी है, क्योंकि तू तो कच्चे के डिब्बे से आया था। खुशी, ये कौन सा तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते अपने भाई से? रिलैक्स मम्मी, दीदी वैसे भी मजाक कर रही है। लेकिन आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, कहीं ये सच तो नहीं है? हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीदी को डस्टबिन से लेकर आए? विवान, ओके ओके ओके, अब इस टॉपिक पर और कोई मजाक नहीं। अच्छा तू रेडी हुआ कि नहीं? मैं तो दीदी के रेडी होने का वेट कर रहा था। विवान, और नहीं तो क्या, कब से मेरे घर के सामने बैठो? विवान, मैं अच्छा, 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 बस बस बस, और जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो बाहर आ गए सब लोग। मम्मी वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरे इस बर्थडे पर हम उन डॉक्टर और नर्स को बुलाएं जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। वो तो बहुत साल हो गए हैं ना, अब तो वो हॉस्पिटल भी नहीं रहा होगा। अच्छा चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ फटाफट। हाँ फटाफट। दीदी कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सलमान भाई का बॉडीगार्ड लग रहा है। We'll be right back.
कौन आया था यहाँ सर्वकाल? किसने जगाया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ सर्वकाल, यहाँ कौन आया था? लगता है तुम ये भूल जाते हो सर्वकाल के काललोकवासी भले ही तुम्हें अपना देवता समझते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कैदी हो, एक लाचार कैदी, मेरे कैदी। इसलिए जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। इतना घमंड मत करो तिम्नासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी।